शॉपसी ऐप के अंदर अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, शॉपसी ऐप में इस तरीके से लिखा आता है या फिर फ्लिपकार्ट के अंदर लिखा आता है, जब भी आप किसी ऐप जो मतलब कोई ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, यू रीच द मैक्सिमम यूनिट अलाउड फॉर द परचेस ऑफ दिस आइटम, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करोगे और ये लिखा क्यों आता है, तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों की इशू यही है कि यहाँ पे हम बाय नहीं कर पाते, जैसे बाय वगैरह करने के जाते हैं तो ये लिखा आ जाता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ही दोस्तों कि आगे आपको बताया कि उससे पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ पे आपको मतलब सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसका नाम या फिर जो भी नेम वगैरह होगा उसको आप यहाँ से कहीं पर नोट कर लेना है, लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको शॉपसी ऐप को यहाँ से लॉग आउट कर देना है अपने अकाउंट को, और यहाँ पे दूसरा अकाउंट यहाँ पे आपको शॉपसी का लॉग इन कर लेना है, ठीक है। शॉपसी अकाउंट का आपको मतलब दूसरा अकाउंट यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करोगे, उसके बाद आपकी जो जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पे लगाना था या फिर जो ऑर्डर आप करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ले पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको मतलब आपके पास दूसरा आईडी होना चाहिए या फिर दूसरा आईडी आपको बना लेना है अपना शॉपसी ऐप के अंदर, और दूसरे आईडी से आपको सेम टू सेम जो भी प्रोडक्ट आपको बाय करना था उसको आपको लेना है, सेम टू सेम एड्रेस वगैरह डाल देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपको पैकेज या फिर जो भी आपको ऑर्डर करना है वो यहाँ से आप लगा देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, फिर भी यही इशू है, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद में आपको वापस से ट्राई करना है अपने नॉर्मल जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अकाउंट उससे ट्राई करना है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। जो टॉप सेलर यहाँ पे होते हैं उसमें यहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत आती है, जैसे कि ये मिनिमम क्वांटिटी वाले ऑर्डर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करेंगे कि दो आपको अपने आईडी अकाउंट्स बना लेने हैं और उसके थ्रू आपको अलग अलग करके ऑर्डर्स लगाने हैं।